कोटा जो भारत के राजस्थान जैसे विशाल राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक जिला है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कोटा शहर में स्थित है। कोटा राजस्थान राज्य की औद्योगिक राजधानी के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है। कोटा शहर अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट और रेशम उद्योग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। सन 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार कोटा दुनिया का सातवां और भारत का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला शहर भी है। दोस्तों, कोटा शहर की स्थिति की बात करें तो कोटा शहर राजस्थान राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में प्रसिद्ध नदी चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कोटा जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है, जिसमें शामिल बूंदी जिला, झालवाड़ा जिला, माधोपुर जिला और बरा जिला है। कोटा शहर अपने शिक्षण संस्थानों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध रहा है, जिससे यहाँ पर हर साल 2 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आते हैं। कोटा शहर की साक्षरता दर 82% है। शिक्षा के दृष्टिकोण से कोटा शहर राज्य में पहला स्थान है, जिससे कोटा शहर को एजुकेशन हब भी कहा जाता है। यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, IIIT कॉलेज, बंसल कॉलेज जैसे कई शिक्षण संस्थान मौजूद हैं। दोस्तों, कोटा जिले के इतिहास पर नजर डाले तो सन 1575 ईस्वी के प्राचीन काल में इस स्थान पर कोटिया भीलनाथ आदिवासी का राज हुआ करता था। सन 1569 में राजा जेत सिंह ने आदिवासी भीलनाथ कोटिया को हरा कर इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया, लेकिन राजा जेत सिंह ने राजा कोटिया की बहादुरी पर खुश होकर इस स्थान का नाम कोटा रख दिया, जो आज भी इस शहर को कोटा के नाम से जाना जाता है। 5217 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले कोटा जिले की वर्तमान जनसंख्या लगभग 22,62,000 है, जिसमें शामिल पुरुषों की जनसंख्या 11,84,000 है और महिलाओं की जनसंख्या 10,78,000 है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कोटा राजस्थान का तीसरा और भारत का 46वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। वहीं जिले का लिंगा अनुपात 911 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर यहां पर 911 महिलाएं हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से कोटा जिले में 85% हिंदू, 12% मुसलमान, 0.29% ईसाई और 0.57% अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। कोटा जिले में 5 तहसीलें मौजूद हैं, जिसमें शामिल रामगंज, लाडपुरा, संगोद, पिपलदा और दिगोद हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से कोटा शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों मार्गों से पूर्णतया जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग कोटा रेलवे जंक्शन स्टेशन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन मुंबई नई दिल्ली रेलवे लाइन और कोटा चित्तौड़ रेलवे लाइन पर मौजूद है। इस स्टेशन से होकर कई प्रमुख एक्सप्रेस गाड़ियां गुजरती हैं। सड़क मार्ग कोटा शहर के बीचों बीच में स्थित बस अड्डा सड़क मार्ग के द्वारा दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, कानपुर जैसे देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग कोटा शहर के गुमानपुरा इलाके में मौजूद कोटा एयरपोर्ट अपने हवाई मार्ग के द्वारा देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। कोटा शहर अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए पूरे देश में जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, कोटा शहर के उन खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में रूबरू करवाएंगे। हैंगिंग ब्रिज, कोटा शहर के सेल्फी पॉइंट के नाम से मशहूर यह ब्रिज पर्यटकों का प्रमुख पर्यटन केंद्र रहा है। इस खूबसूरत पुल का उद्घाटन सन 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया गया था। सेवन वंडर पार्क, यह पार्क कोटा जिले का प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यह पार्क कोटा शहर के गायत्री विहार इलाके में मौजूद है। सेवन वंडर पार्क घूमने के दृष्टिकोण से 7 अजूबों में से कम नहीं है। बद्री की दुल्हनिया मूवी में इस पार्क के कई चित्रण दिखाए गए हैं। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा शहर में लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का निर्माण सन 2004 में हुआ था। लगभग 708 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले टाइगर रिजर्व भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक है। यहां पर टाइगर के अलावा और भी कई सारे जीव जंतु देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोटा जिले में और भी खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं, चंबल गार्डन, गढ़ पैलेस, माधव सिंह म्यूजियम, किशोर सागर झील आदि जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।
यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।